पटना रेलवे स्टेशन पर लगे टीवी स्क्रीन पर अचानक पॉर्न वीडियो चली थी। अब भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप लगे एलईडी स्क्रीन पर अपशब्द भाषा चला है। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो को देखा तो लोगों ने जमकर मजाक बनाया। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी। सिटी डीएसपी ने कहा, भागलपुर स्टेशन चौक पर लगे स्क्रीन पर गंदा विज्ञापन कई मिनटों तक चलता रहा। हम लोगों को जैसे ही पता चला, हम लोगों ने तुरंत इसे बंद करवाया और आगे जिसके भी यह गलती हुई है उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो भी डिस्प्ले हुआ उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, टेक्नीशियन को बुला रहे हैं और जो जो भी चिन्हित होगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ देखा, फिर मैं यहाँ पे सर थे कमांडो वाले, हमने उनको आके बताया, फिर वो सर जाके वहाँ पे बंद किए, फिर वही काफी 5 या 10 मिनट तक चला था कुछ ऐसे ही। बिहार पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के द्वारा बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2022-23 हेतु पूर्वी क्षेत्र भागलपुर से सराहनीय कार्य करने हेतु पुरस्कृत होने वाले कुल 38 पुलिस अधिकारियों को 43 पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था, जिसमें उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाने वालों में नौगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज, बांका के पुलिस अधीक्षक सत्य सहित क्षेत्र के कई डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ साथ सिपाहियों को भी पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने त्वरित गति से मामले का निष्पादन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी और लूटे गए सामानों की बरामदगी करने के साथ साथ कई संवेदनशील मामलों में उद्भेदन किया है। वहीं डीआईजी ने कहा कि अभी 43 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में लोग और बेहतर काम करेंगे, इससे पुरस्कार लेने वालों की संख्या भी अधिक देखी जाएगी। देखिए, पूरे रेंज का यह वार्षिक सम्मान समारोह था, जिसमें अच्छा कार्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही संवर्ग तक के हमारे कर्मी शामिल थे, आज उन सब के अच्छे कार्य को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और मुख्यालय ने भी इसके संबंध में मुख्यालय से भी यह आदेश हमें मिला था और इनकी इसको जो है वहाँ से भी सराहा गया है इनके अच्छे कार्यों को। गर्मी आते ही आगजनी की घटना बढ़ जाती है, कहीं शॉर्ट सर्किट से तो कहीं खाना बनाते समय आग की चिंगारी से। भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पीछे वाले भाग में अचानक झाड़ियों में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कैंपस से सटे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का छात्रावास और बिजली विभाग की बाउंड्री व टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तीनों का दीवार को छू रहा था। हॉस्टल के छात्र ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब फायर ब्रिगेड की दो छोटी गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना में किसी भी तरह के नुकसान होने की सूचना नहीं है। रामनवमी के उपलक्ष्य पर आयोजित शोभा यात्रा में श्री राम भक्तों की लाठी डंडे से पिटाई की गई और आपराधिक तत्वों के लोग उन पर पथराव और गोलीबारी भी किए। कई जगह शहर में कर्फ्यू तक लगा दिए गए थे। रामनवमी शोभा यात्रा पर जगह जगह षड्यंत्र पूर्वक किए गए इस हमले के विरोध में आज श्री रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच भागलपुर शाखा के द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन भागलपुर के समाहरणालय स्थित मुख्य गेट के समक्ष किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अलावे कई हिंदू संगठन के लोग सम्मिलित थे। रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच के द्वारा लोगों ने अपनी वार्ता में कहा कि सनातन धर्म पर इस तरह का धार्मिक उन्माद, गोलीबारी, पथराव कहीं से सही नहीं है। पूरे सूबे में प्रचंड गर्मी अपना कहर बरपा रही है। पारा 42 डिग्री से 45 डिग्री पार कर गया है। गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों में जिलाधिकारी के आदेशानुसार समय भी परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती तो बच्चे गर्मी से परेशान दिखते हैं। गर्मी के कारण बच्चों में उल्टी, दस्त व कमजोरी का शिकायत देखने को मिल रहा है। इसको लेकर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से सलाह देते हुए कहा कि बढ़ती गर्मी मतलब बीमारियों का मौसम। आप बच्चों को अगर इस तपती गर्मी में बाहर ले जाना चाह रहे हैं तो यह खतरे से खाली नहीं है। उन्हें अगर बाहर किसी काम से जाना है तो समय देख कर ले जाएं। इस मौसम में खान पान का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का प्रयोग करें। अगर प्यास लगे तो तुरंत पानी जरूर पिएं। भयानक गर्मी पड़ रहा है और यह गर्मी बहुत ही जल्द बच्चों को काफी असर करता है और हमारा नम्र निवेदन है सारे पेरेंट्स से कि आप जो भी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएं बाहर उसको स्थगित कर दें और कहीं बाजार निकलना हो तो बच्चों को नहीं ले जाएं। यदि ले जाना आवश्यक हो तो आप प्रहर का ध्यान रखें। आप या तो सुबह में जाएं या फिर संध्या बेला में जाएं। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटहा रेलवे पुल के समीप मंगलवार की अहले सुबह एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। जांच के दौरान मृतक युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतौरिया गाँव निवासी कुनकुन यादव के 18 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि रोज की तरह कल भी भतीजा के साथ नीतीश कुमार गया हुआ था, रात भर घर वापस नहीं लौटा। सुबह पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि एक शव मिला है जिसकी पहचान नीतीश
कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पाकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं स्थानीय थाने के पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ नहीं जो बुलाता था बार बार क्या नाम था? क्या लगता है सड़क हादसा या फिर हम के देखो दौड़ा हो